दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन, और इस मस्तिष्क के 100% के अलावा एक और मस्तिष्क है जिसे कहते हैं क्या, सुपर कॉन्शियस कहते हैं, पराचेतन कहते हैं, यानी जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो जो पराचेतन मस्तिष्क है, जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो कुछ कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, यदि आप में से किसी को करना हो तो ध्यान शुरू कर दो, पढ़ाई छोड़ दो, उस पर हमें काम नहीं करना। चेतन मस्तिष्क मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, मैं भी हिलता रहता हूँ, आप भी हिल डुल रहे हैं, ये कौन सा मस्तिष्क है, चेतन। लेकिन बाकी दो मस्तिष्क बचे जिन पर हम काम कर सकते हैं, उसमें अचेतन मस्तिष्क आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है सर कि अचेतन मस्तिष्क होता है, सर जो अचेतन मस्तिष्क होता है वो 5 वर्ष तक काम करता है जीवन में, केवल 5 वर्ष तक, मनोविज्ञान इतना कहता है, हो सकता है और भी काम करता हो, मतलब 5 वर्ष तक के बच्चे में यदि कोई संस्कार है, मेरी एक आदत क्या है पता है, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, यदि आप मेरे को लगने लग गया ना कि 1-2 खराटे भर रहे हैं और आस पड़ोस वालों की तेज़ आवाज़ आ रही है कि भाई खराटे चल रहे हैं आस पास में, तो मैं आपको एनर्जाइज कर दूंगा, ठीक है, ताकि कोई ऐसे नहीं लगे कि भाई बोर हो रहे हैं या गर्मी लग रही है कुछ, यही ध्यान रहे सभी का। और जब बोर हो जाओ तो बता देना, हम सभी उठ के बाहर चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे सभी, ठीक है। अचेतन मस्तिष्क कितने साल तक विकसित होता है, 5 साल तक, यानी 5 वर्ष तक के बच्चे में जो संस्कार डाल दिए, जो ज्ञान की नदी आपने डाल दी, जो माँ ने उसको सिखा दिया, जो गुरु ने उसको बता दिया, जो पिता ने उसको बतला दिया, वो सभी बच्चे में रहता है, वो रिफ्लेक्ट धीरे धीरे होता है समय समय के ऊपर। तो क्या अब उसके ऊपर काम कर सकते हैं अपने, तो वो तो बच्चों पर ही करना है, तो भविष्य में जो आज चीज़ बता रहा हूँ वो बच्चों पर करना, फिर सभी की शादियाँ होंगी ना, हंसना नहीं है, भविष्य तो यही है सभी का, सारे कलाम साहब थोड़ी बनेंगे। और जिसको सेवा करनी हो ता उम्र मैं भाटिया आश्रम में सेवा दूंगा, वो इस मंच पे आमंत्रित होगा, फिर बाद शादी के बाद भी हो सकती है सेवा, पर यदि कोई अभी से ब्रह्मचर्य ग्रहण करना चाहे कि आश्रम में आना चाहूँगा तो वो स्वागत है, घर पर मत कह देना, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्या सिखा दिया ब्रह्मचर्य और ये सब, ये मजाक की बात है, ठीक है ना। तो हमारे हाथ में कौन सा माइंड बचा बताइए, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन है ही, सीखो आगे बढ़ते रहो, ये अचेतन 5 वर्ष तक, पराचेतन हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो हमारे हाथ में कौन सा है, अर्धचेतन मस्तिष्क है, सब कॉन्शियस माइंड है। अब सब कॉन्शियस माइंड की आपको विशेषता बता देता हूँ। पहली चीज़, चेतन मस्तिष्क 10% होता है और अचेतन और अर्धचेतन दोनों मिलाकर हमारे मस्तिष्क का कितना हिस्सा बनता है, 90% हिस्सा बनता है, कितना बनता है, 90%। और याद रखना, आज तक के जो सबसे ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करने वाले व्यक्ति कौन माने जाते हैं, कितने परसेंट यूज़ किया, कितने किया, ज़ोर से बोलो ना। कहते हैं कि उन्होंने अपने माइंड की 8% शक्ति का उपयोग कर लिया था, कितने प्रतिशत, 8, कुछ 16 भी कहते हैं, कुछ 12 भी कहते हैं, लेकिन जनरली जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है, 8 की एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि 8% उन्होंने अपने मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग किया। क्या वो 8% उन्होंने चेतन की या अर्धचेतन की या अचेतन की, इसके ऊपर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकता कि उन्होंने बचपन में क्या सीखा, बाद में क्या सीखा और वर्तमान में क्या सीखा, ठीक है। अब हमें ये काम करना है कि 10% एनर्जी में से आप 3-4% उपयोग कर लो, 3-4% का मतलब आप बहुत ही आसानी से क्या बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे। और यदि उसमें 3-4% उधर से भी उधार ले लें तो क्या होगा, और उस उधार लेने का तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ क्या है। जो सब कॉन्शियस माइंड है वो केवल आदेश मानता है, क्या मानता है, आदेश। अलादीन का चिराग आपने सुना होगा नाम, यदि उस चिराग को घिसते हैं तो तुरंत क्या आवाज़ आती है, एक जिन निकल के आता है और वो क्या कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसे ही बोलता है वो। तो इसी तरह हमारा दिमाग है, अर्धचेतन मस्तिष्क को आप जो आदेश करेंगे मस्तिष्क वैसा ही बन जाएगा,
आप वैसे ही बन जाएंगे, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जीवन है, उसी तरह से ढल जाएगा। जैसा क्या करेंगे, आदेश देंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की तीन और खास बातें हैं जो हमें नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनता कभी भी। जैसे आपने कहा कि मुझे मरना नहीं है, तो वो नहीं नहीं सुनेगा, क्या बचा? ठीक है, आपने कहा कि मुझे मजे नहीं करने हैं, मुझे आनंद नहीं लेना है, मुझे केवल पढ़ना है, तो वो क्या सुनेगा? तो पहली खास बात क्या है, वो नहीं नहीं सुनता, नहीं वर्ड उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, आपका दास है, आपके आदेश को मानता है, आपका जिन है, आपके हाथ में आप अलादीन हैं और आपके हाथ में चिराग है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, वो भूतकाल की बातें नहीं सुनता है। यदि भूतकाल की आपने बातें की तो वो आपको हमेशा पीछे पीछे रखेगा, वर्तमान में जीने ही नहीं देगा, और न ही वो भविष्य की बातें सुनता है। यदि आपने कहा कि मैं IAS बनूंगी तो वो क्या सुनता है, मैं IAS बनूंगी, एक साल के बाद भी वही सुनेगा, 10 साल के बाद भी सुनेगा, जब आपके बाल बच्चे हो जाएंगे उसके बाद भी क्या सुनेगा कि मैं IAS बनूंगा या बनूंगी। तो क्या IAS बन पाएंगे? फिर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने उसको आदेश ही कैसा दे दिया, कमांड कैसी दे दी उसको, फ्यूचर की कमांड दे दी, तो वो कहेगा भाई भविष्य में ही बनना है, वर्तमान में कुछ करना नहीं है। तो क्या खास बात है उसकी, नहीं, पुरानी और भविष्य की बातों को नहीं मानेगा, वर्तमान की सकारात्मक और आदेशात्मक बातों को वो स्वीकार करेगा। ये चीज़ आपको पता चल गई, लेकिन इसके साथ में एक और बात आपको नहीं पता है, वो काम कब करता है ये बताइए। अब काम कर रहा है या सुबह काम करेगा या रात को, या रात को 12 बजे जब आप पूरी नींद में होंगे तब बताइए। जब किसी चीज़ का पता नहीं हो ना, तो क्या बोलना चाहिए कि सर हमें नहीं पता, आप बताइए। तुक्के मारना छोड़ दो, उसी दिन IAS बन जाएंगे। चीज़ों को सीखें, ऑब्जर्व करें, सुने, पढ़ें, अपने विचार बनाएं, अपना परसेप्शन बनाएं, उसी दिन IAS बनेंगे। मैंने बताया ना सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, 6 नंबर पे, परसेप्शन अपना होना चाहिए, नज़रिया एप्टीट्यूड खुद का होना चाहिए। हाँ बताओ बेटा, कब? याद रखना, चेतन और अचेतन के बीच का दिमाग है। तो आपके दिन में वो दो टाइम बताइए जब आप न तो चेतन में होते हो न अचेतन में होते हो। होता ना आजकल रात दिन जागे जागे सोए सोए खोए खोए रहते हैं, वैसा समय कब होता है, कैसा समय होता है पता है आपको? सुबह जब उठते हो तो आपको ये होता है कि हे ईश्वर, काश मैंने 5 मिनट बाद का अलार्म बजाया होता तो मज़ा ही आ जाता, होता है ना? तो उसमें न आप चेतन होते हो न अचेतन होते हो, आप कैसे होते हो, अर्धचेतन। इसी तरह से जब सो जाते हो तो जब बिल्कुल सोने वाली लास्ट स्टेज के ऊपर हो, जब आपकी आंख बंद होने वाली होती है, ठीक है, और तब आपको कोई झट से जगा दे तो आप कहते हैं यार छोड़े यार बाकी काम, अब आज का जो मेन काम है वो क्या है, ये कोई आपको कहे ना कि IAS बना देंगे उठ जा, क्या रहने दे सुबह बनेंगे एक बार सोने तो, ठीक है, तो उस समय उठा दे तो आपकी हालत क्या होती है, यदि आपको तुरंत सुला दें तो आपको नींद क्या आ जाएगी तुरंत। मतलब अर्धचेतन मस्तिष्क दो ही बार काम करता है सबसे ज़्यादा, जब दोनों के बीच की स्थिति होती है, वो कब होती है, सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त। तो अर्धचेतन मस्तिष्क को जो सकारात्मक बातें और जो आदेश है वो कब देना है, सुबह उठते ही और रात को सोते हैं। दिन में चाहे बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दो समय में आपको जरूर बोलना है। अब इसके ऊपर जो पुस्तक है वो है रोंडा बर्न की द सीक्रेट, कौन सी, और शाहरुख खान का एक डायलॉग बोला था ना, यदि आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की एक साजिश रचती है। और इसी तरह से रोंडा बर्न ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में क्या कहा था कि ये जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण का नियम है, वो क्या कहता है कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो ब्रह्मांड से जो पॉजिटिव वाइब्स हैं
वो आपके पास आएंगी और पूरा ब्रह्मांड वही काम करवाने में आपसे लग जाएगा। और आपने सोच लिया कि नहीं, मैं तो निराश हूँ, हताश हूँ, सक्सेस नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड क्या कहेगा? ये किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है, ये आलसी है, इसको पास करने नहीं है, इसको फेल करो। इसका मतलब क्या है? यदि हम सब कॉन्शियस माइंड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ दें तो हम कैसे बन सकते हैं? एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। हमें हमेशा कैसा बनना है? सफल इंसान बनना है। अधिकारी बहुत बन जाएंगे, राजनेता भी बन जाएंगे, बिजनेसमैन भी बन जाएंगे, टीचर्स भी बन जाएंगे सर की तरह, लेकिन सफल गुरु बनना है। मेरा सफल प्रशासक बनना अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको सफल इंसान भी बनना है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाँ, इंसान के तौर पर मैं ठीक ठाक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं हर किसी की बात सुनता हूँ, हर किसी को मानता हूँ, हर किसी को सम्मान देता हूँ। तो आपको क्या करना है? सब कॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब आप एक बात सोच लीजिए, यदि सुबह 5 मिनट उठते ही और रात को 5 मिनट सोने से पहले आप यदि 5-5 सेंटेंस बना लें, वही 5 सेंटेंस सुबह उठते ही बोलने, वो रात को सोते वक्त, और वो हमेशा रिपीट करने आपको, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। और सक्सेस हो जाते हैं तो उनमें से 5 में से एक सेंटेंस उड़ा देना, एक और जोड़ देना कि वो तो हो ही गए, अब नए वाला जोड़ना है। ठीक है, समझ गए? तो पहला सेंटेंस क्या बनाना है हमें, बताओ बेटा। कोई एक एक बच्चा खड़ा होके बताए, बेटा बेटी में से कोई भी बता सकता है, बताइए। मैं आपको बेटा बेटी इसलिए कहता हूँ कि मैंने आपसे भी बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया, जो मेरे से 10 साल उम्र में बड़े थे, 15 साल बड़े थे। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक बैचमेट है ललित, ही इज बेसिकली फ्रॉम जोधपुर, बट आफ्टर इट ही वॉज सेटल्ड इन अहमदाबाद, और उनकी वाइफ IAS बन गई थी 2009 बैच में, और वो 2015 के अंदर IAS बना था। उसका गुजरात काडर है। तो क्या मेरे बड़े भाई साहब मेरे से 5 साल बड़े हैं? वो मेरे बराबर का है क्या? 5-6 साल बड़े हैं? तो क्या थे हमारा गुरुजी, वो मिले के? उनके बड़े भाई साहब ने पूछा उनसे, तो क्या गुरुजी कौन सा? क्या राजेंद्र पेंसिया? गुरुजी बाऊ में पढ़या, वो वहाँ की भाषा बोलते हैं ना जो मारवाड़ी है, क्या बाऊ में पढ़या कठे जयपुर, क्या बाऊ मिलियो? तो वो तब से लेकर मुझको बड़े भाई साहब कहता है कि भाई साहब, उस दिन मुझे पता चला कि आप पढ़ाते भी थे। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। जो आपको शिक्षा दे वो आपका गुरु है, जो आपको गलत मार्ग पे लेके जाए वो आपका दुश्मन है। तो हमेशा किसकी रेस्पेक्ट करनी है? गुरु की रेस्पेक्ट करनी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, क्योंकि मेरी भी बिटिया 8 साल की हो जाएगी अभी 5 नवंबर को, तो 8 साल की तो मेरी बिटिया ही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाए, तो आप तो मेरे बच्चों की तरह हो सभी। ठीक है, तो अब कोई भी बोले ना तो निश्चिंत होकर बोलना, ऐसे सोचना कि अपने पिता समान गुरु के सामने बोल रहे हैं, कोई गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब पहला सेंटेंस बोलिए। एक अच्छा इंसान बनना है, बैठिए। एक बेटी में से बोले, बेटा बोलो, आई एम द बेस्ट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या था। एक्चुअली मैं आपसे ही वो चीज निकलवाना चाह रहा था। तुमने क्या बोला? अच्छा इंसान बनना है। बनना है मतलब फ्यूचर, बेटा ये नहीं बनाना। बहुत अच्छी बात, यहां खड़े होके बोले, इनके लिए तालियां। क्योंकि ये भविष्य में गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है मैंने वहां पर गलती की थी, भविष्य में इस तरह के सेंटेंस नहीं बनाऊंगा। और ये बिटिया हो सकती है कि गलती कर दे भविष्य में, क्योंकि इसने सही बोला था। क्योंकि गलत करने वाला सीखता है और सीख के आगे बढ़ता है, और भविष्य में गलती होने की संभावना कम रहती है। और सही बोलने वाला सही तो होता है, लेकिन हो सकता है उसी चीज में वो भविष्य में गलत बोलते। तो बिटिया के लिए भी तालियां। अब देखो उसको क्या बोलना था, मैं अच्छा इंसान हूं, बनना नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूं, ये बोलना था। तो 5 सेंटेंस में हमारा पहला लक्ष्य क्यों, हम इस कक्षा में क्यों आए आज बताइए, कि IAS बनने के वो गुर सीखने
जो कोई और बता नहीं पाया, या उन्हीं गुरु को दोबारा सर से सीखना, क्योंकि सर खुद आईएएस हैं और जब उनके मुख से हम सुनेंगे, उनके मुंह से हम सुनेंगे, तो हमें क्या रहेगा, ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा और हम ज़्यादा प्रेरित होंगे। कहते भी हैं कि घर का जोगी जोगणा आण गाँव का सिद्ध। सर को 2400 घंटे सुनते हो तो कहते होंगे यार सर तो बहुत बोल दिया, अब मेरे को कोई नया आदमी चाहिए। तो सर हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरा बहुत आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नए नए व्यक्तियों की इसलिए ज़रूरत रहती है कि जब समय समय पर कोई आता है तो उनके सामने एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है, साक्षात वो व्यक्ति खड़ा होता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं दिखने में भी ऐसा हूँ, बोलने में भी ऐसा हूँ, और कपड़े भी मैं इस तरह के पहन सकता हूँ, बाल भी मैं ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ कुछ समान सा है तो हम आईएएस बन जाएंगे। इसीलिए तो पहला सेंटेंस क्या होगा जो सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त बोलना है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं भाटिया आश्रम में आई या आया और मुझे बड़े मंच पे सम्मानित किया गया, और जैसे राजेंद्र सर लेक्चर दे रहे हैं ना वैसे मैं भी लेक्चर दे रही हूँ, उसमें मेरा नाम उड़ा देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं भाटिया आश्रम में बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ और आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज उस संस्था ने, उन सर ने, उस गुरु ने मुझे सम्मानित किया और राजेंद्र सर खुद उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मेरे को क्या दे रहे हैं, सम्मान या प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं। और सर ने ये बोला है कि आज तो मैं ही बोलूँगा या बोलूँगी, क्योंकि हम तो खूब बोल चुके, अब आप समझाओ बच्चों को क्या करना है। तो पहला सेंटेंस क्या बनाना है, मैं आईएएस हूं और यही बनाना है जो मैंने बताया, उसको घर पे बना लेना, ठीक है। अब दूसरा क्या बनना चाहते हो बताइए। देखिए ये चीज़ है ना, ये आपको हो सकती है अभी कोरी कल्पना लगे, क्योंकि शुरुआत में गांधी जी ने वैसे भी कहा था, जब आप शुरुआत में कुछ बोलते हैं ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर रहे हैं, खुद झाड़ू उठा रखिए। 3 साल पहले जब सफाई अभियान शुरू हुआ था तो ऐसा ही हुआ था ना, हंसते थे कि प्रधानमंत्री जी सफाई कर रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है क्या, 1 घंटा सफाई अभियान में खराब किया, इससे अच्छा था और कोई देश के लिए काम करते, कहते थे, खूब आलोचनाएं हुई थी। लेकिन फिर गांधी जी ने दूसरी बात कही, फिर क्या करेंगे लोग, आपका मजाक उड़ाना बंद तो भी आपने काम शुरू रखा तो क्या करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, आपको गालियां निकालेंगे, आपके साथ संघर्ष करेंगे, किसी न किसी रूप में आप रुक जाओ। फिर इस अभियान का थोड़ा बहुत विरोध हुआ अलग अलग लोगों के द्वारा, लेकिन अंत में क्या आएगा, गांधी जी ने तीसरी बात कही थी, क्या आएगा अंत में, स्वीकार भाव, वही लोग जो आपकी आलोचना करते थे वही आपके समर्थक बन जाएंगे, वही आपको स्वीकार करने लग जाएंगे। तो हो सकता है आज आपको लग रहा हो, आप तो मान लेंगे लेकिन आप अपने घर वालों को मत बताना, नहीं तो बताएंगे कि कौन से गुरुजी आएंगे जो आपको पागल बना गए, तू तो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है कि मैं आईएएस हूँ, मैं मंच को संबोधित कर रही हूँ, मेरे माँ प्यो भी मनु सुनी आंदे है या नहीं। धीरे धीरे बोलना है मन में, जोर से मत बोलना, नहीं तो कहेंगे मेरा बेटा और बेटी पगला और पगली हो गए हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या बनाना है, दूसरा क्या करना चाहते हैं आप बताइए। दूसरा ये कहिए कि मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो तुरंत मुझे याद हो जाता है, और सामने वाले लोग प्रश्न पूछते हैं कि यार बता याद होने का तरीका क्या है, कैसे याद हो रहा है तेरे को। तो ऐसे आपको चीज़ें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, तेज़ गति से याद होनी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड किस चीज़ की साजिश करने लग जाएगा कि भैया ये दिन और रात यही सोचता रहता है कि अच्छा याद आता है, अच्छा याद कर लेता है, सब चीज़ें इसको रिमेम्बर रहती हैं, तो आप क्या, आपकी याददाश्त क्षमता क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। केवल बुलेट पॉइंट में लिख लो, नहीं याद रहेगा बेटा, लिख लो, लिख लेना चाहिए। मैं आज भी ये आईपैड साथ रखता हूँ, इसकी पेंसिल साथ रखता हूँ, मैंने सोचा हो सकता है आप में से कोई अच्छी चीज़ बोलते, हो सकता है सर कोई अच्छी चीज़ बोलते तो उसको जोट डाउन कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, एक छोटी सी डायरी 10 रुपये की खरीदो, 2 रुपये का पेन खरीदो, जेब में रखो हमेशा, मस्त रहो, 12 रुपये में सब बेस्ट होगा, ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने, अच्छे अच्छे पेन पेंसिल ला करके, जब RAS IAS बनेंगे ना आप तब बढ़िया बढ़िया पेन खरीदना, फाउंटेन पेन और क्रॉस और जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनके पेन,
ठीक है, अभी तो 2 रुपए वाला पेन सबसे तेज चलता है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पेन कौन सा है पता है? ये सब है, राइटोमीटर वाइटोमीटर सब फेल है, जो 2 रुपए का आता है ना वो इतना तेज चलता है तो उसकी शाही भी साथ साथ निकलती रहती है, ठीक है, तो सुपर फास्ट पेन वही होता है। तीसरा काम क्या करना है बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप अपनी ओर से बताइए, जो उन्होंने बताया कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। तीसरा काम कि मुझे, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको सहायता करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और मैं हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ या रहती हूँ। बस ये प्रेजेंट में सोचना है कि मेरे पास कोई, फिर कभी कभी एग्जांपल भी ले लीजिए, जैसे सर ने सफाई अभियान शुरू किया तो हम पूरे के पूरे आश्रम वाले सफाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं। फिर चौथी चीज़ आप अपनी व्यक्तिगत, कोई सोमवार का व्रत रखता है, अब सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते रहना, ठीक है, मुझे पति अच्छा मिल जाए और मुझे पत्नी अच्छी मिल जाए, ये व्यक्तिगत चीज़ है, आपको जो चाहिए वो कर लेना, आजकल जमाना बदल गया है ना, LGBT आ गया है तो कोई भरोसा भी नहीं है अभी। अब पांचवी और लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ, इसी के अंदर आप बताइए आप क्या पॉइंट लिखना चाहेंगे, पांचवा पॉइंट बताइए। देखिए आपको ये सब चीज़ें किसने दी, ईश्वर ने दी, तो हमेशा आभार प्रार्थना पांचवें बिंदु में आपको करनी है कि मुझे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, इनसे मिलवाया, ऐसे माता पिता दिए, ऐसे गुरु दिए, ऐसे दोस्त दिए, ऐसा समाज दिया, ऐसा सूरतगढ़ का अच्छा एटमोसफियर दिया जहाँ पे अच्छी शिक्षा हो रही है। तो पहला IAS बनने का, और पांचवा आभार प्रकट करने का, तीसरा अच्छा इंसान और देश सेवा का, दूसरा याद करने का, और चौथा आप अपनी मर्जी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो शादी से रिलेटेड हो सकता है या किसी और से रिलेटेड, बस डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, या जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो मुझे टॉप करना है क्लास में, मैं क्लास में पेपर लिख रही हूँ और मेरे जब सर ने रिजल्ट सुनाया तो नंबर 1 मेरा ही है क्लास के अंदर, ये भी कर सकते हैं चौथा, ठीक है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अब एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जीवन में किसी को भी कोसना नहीं है। अभी मैं सर से बात कर रहा था, मैं परसों ट्रेन से बीकानेर गया, तो बीकानेर जा रहा था तो एक मालगाड़ी का डिब्बा डीरेल हो गया था, तो मैं 4.5 घंटे तक सूरतगढ़ की धरती पे था, यही रेलवे स्टेशन के अंदर ट्रेन में बैठा रहा। पहले उन्होंने कहा, जो कि हमारी परंपरा है, समय की इज्जत करना किसी को आता नहीं है, ड्राइवर साहब से पूछा तो कहता साहब आधा घंटा में चलेगी, फिर पूछा तो आधा घंटा में चलेगी, फिर क्या 1 घंटा में चलेगी, फिर क्या अब तो चाल ही पड़ी, फिर आगे पिपेरन है वहाँ जाके रुक गई, कहते आधा घंटा में चलेगी, फिर 1 घंटा में चलेगी, तो कुल मिलाकर 4.5 घंटे लेट हो गई, 1.5-2 घंटा पिपेरन में, 2.5-2.5 घंटे यहाँ रुक गई। वो टेक्निकल कारण था, हो जाता है, ट्रेन वो पटरी से डीरेल भी हो जाती है या पटरी उखड़ भी सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता है, लेकिन सारे यात्री कोस रहे थे। तो मैं आपको जीवन में एक ही बात कहूँगा, कभी किसी को कोसना नहीं है, और जब आप कोसते हो ना तो आप मन में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, क्या सोचते हो, क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं ही फेल क्यों होती हूँ, या मैं ही क्लास के अंदर सबसे पीछे क्यों आता हूँ। लेकिन आपको क्या बंद करना है, सोचना क्यों, और किस पर आ जाना है, कैसे, क्यों तो आपके हाथ में है ही नहीं, क्यों ईश्वर ने आपको जन्म दिया, क्यों आपको इंसान बनाया, क्यों आपके साथ ऐसा किया, ये सब किसके हाथ में है, उस ईश्वर के हाथ में है, उस सर्व शक्तिमान के हाथ में है, उस वाहेगुरु के हाथ में, उस खुदा के हाथ में, ठीक है, उस गॉड के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, कैसे, कैसे का मतलब क्या है कि अब मैं ऐसा हूँ तो कैसे हूँ, क्या कारण है इसके पीछे, अब कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा। याद रखना, इस दुनिया में हर चीज़ ड्यूअल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दिन के साथ में क्या होता है, रात होती है, सुख के साथ में क्या होता है, समस्या के साथ क्या होता है,
असफलता के साथ में क्या होता है? तो क्यों निराश होते हो? क्यों तो सोच रहे हैं ना, कैसे निराशा हुई हमें, कैसे असफलता मिली, कैसे ये दिन रात बनते हैं, कैसे सुख दुख आते हैं, इन चीज़ों पर विचार करना है। और जिस दिन क्यों को आप ले करके कहाँ लेके आ गए, कैसे पर लेके आ गए, उस दिन आपका जीवन क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। आप कोसने की जगह क्या लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे और आपका जीवन क्या हो जाएगा। इसीलिए मैंने सर को कहा, सर एक पोइम लिखूंगा मैं आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, या सोच लो या कोस लो, ठीक है। तो हमें क्यों पर ध्यान नहीं देना, हमेशा किस पर ध्यान देना है, कैसे पर। क्यों ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, कैसे किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। कैसे हम सफल नहीं हुए, कैसे मैं प्री में फेल हुआ कि मेरा हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हिस्ट्री अच्छा नहीं था, जनरल साइंस में साइंस टेक अच्छा नहीं था, मैंने करंट का एक साल का देखा लेकिन डेढ़ साल का नहीं देखा, मैंने हिंदू का एनालिसिस ढंग से नहीं सुना, इसलिए मैं फेल हुआ या मैं फेल हुई। तो हमेशा किस पर विचार करना है, कैसे पर। याद रखना, आईएएस बनने वाले में बस एक ही विशेषता होती है जो सबसे बड़ी, वो है वो हमेशा एम्बिशियस रहने के साथ साथ हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है। आपने मेरे को कई बार यहाँ सुना होगा, मेरे कई लेक्चर भी हैं वो भी सुनना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की, नया करने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, आत्मश्लाघी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आजकल मैं आपको बता देता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने दिल्ली में भी एडमिशन लिया था ब्रिटिश काउंसिल इंस्टीट्यूट के अंदर, 14 दिन तक लिया, लेकिन मुझे पता चला कि किसी इंस्टीट्यूट में जाने से इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो वहाँ से भी मैंने क्या सीखा कि इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आपको एक परम सलाह देता हूँ, सबसे ज़्यादा फ्रॉड क्या है हमारे देश में कि इंग्लिश स्पीकिंग कराई जाती है। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भाषा को सिखाई नहीं सकता, भाषा केवल सीखी जाती है न कि सिखाई जाती है। इसलिए यदि किसी को इंग्लिश में अपने सुधार करना है तो मेरे से टिप्स ले सकते हैं। कौन कौन टिप्स लेना चाहेंगे, दो मिनट के, इतने सारे हैं क्या, चलो फिर बता देता हूँ। देखिए, आज का राजस्थान पत्रिका किसने पढ़ा, उसमें आया था कि यदि म्यूजिक के साथ भाषा सीखें तो भाषा जल्दी सीखी जाती है, पढ़ा किसी ने, पढ़ा? तो ये बात अक्षरशः सत्य है, मैं तो पढ़ रहा था तो मैंने वहीं से देखा। तो याद रखना, म्यूजिक के साथ मतलब इंग्लिश का सॉन्ग रोज एक सुन लीजिए, इंग्लिश का गीत एक रोज सुन, आपको समझ आए या नहीं आए, पर देखना सब टाइटल के साथ, किसके साथ, सब टाइटल जो नीचे लिखे आते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी सब टाइटल मत लगा लेना, फायदा ही नहीं रहेगा, इंग्लिश सब टाइटल के साथ, ठीक है। दूसरा, हिंखोज डिक्शनरी किसने डाउनलोड कर रखी है मोबाइल में, जो भी आपको वर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर में मिले तुरंत आप उसमें टाइप करो और उसका हिंदी मीनिंग देख लो, ठीक है। और रोज एक वर्ड वो आपको देता ही देता है कि बेटा सुबह उठ गया, अब एक शब्द तो याद कर ही लो कम से कम। तो 365 दिनों में कितने शब्द याद हो जाएंगे, 365। और यदि आपने रोज 5 वर्ड भी सर्च किए तो 365 में 5 से गुणा कर लो, लगभग कितने हो जाएंगे, 1800-2000 के करीब शब्द हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यदि कोई भाषा बोलता है तो अधिकतम वो कितने शब्दों का प्रयोग करता है, कहते हैं कि 800 से 1200 तक। यदि आपने 2000 वर्ड सीख लिए, इस MR को काउंट नहीं करना, क्योंकि मैंने तो इस भी सीखा है सर, एम भी सीखा है, आर भी, और तीनों का मतलब है होता है, उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। या वाज और वर सीखा है, या हैज और हैव सीखा है, वो नहीं। वर्ड्स जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं, आप 2000 वर्ड सीख गए, यानी विद इन 1 ईयर यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट यू आर अनेबल टू स्पीक टिल आप कोई मूवी नहीं देखेंगे, आप कोई गाना नहीं सुनेंगे, आप किसी के लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो इसके लिए आपको उपयोगी चीज़ बता देता हूँ, मूवी इंग्लिश नहीं बताऊँगा आपको देखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मूवी 3 घंटे की होती है जिसमें आप बोर भी हो जाएंगे, इससे अच्छा हिंदी मूवी देखें, बोर भी नहीं होंगे, आनंद भी आएगा, और किसी को ऐश्वर्या तो किसी को अभिषेक बच्चन, ये जोड़ी तो आजकल अच्छी नहीं लगती है, आजकल तो आलिया भट्ट और वरुण धवन ही बढ़िया लगते हैं ना, नया जमाना आ गया ना, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करना है, एक गाना सुनना है रोज़, 5 मिनट का होगा विद सबटाइटल, वो सुनिए, इससे आपको इंग्लिश की प्रोनंसिएशन याद हो जाएगी। दूसरा, राज्यसभा की इंग्लिश न्यूज़, आप हिंदी न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए बिल्कुल, केवल इंग्लिश न्यूज़ सुनिए और उसी का ही एब्स्ट्रैक्ट निकालना है कि मैंने क्या सुना।
आपको गारंटी कहता हूँ, यदि आपने एक साल तक राज्यसभा की न्यूज़ इंग्लिश में सुन ली तो आप इंग्लिश बोलना ही सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी 6 महीने से शुरू किया और मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा। क्योंकि मुझे क्या पता चल गया था कि इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में जाकर इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, एक बुक कोई भी इंग्लिश में अच्छी बुक जो आपको अच्छी लगे, जो सर बताएं वो या कोई और, जो भी आपकी इच्छा हो वो एक बुक खरीद लीजिए और वो आपको रोज़ कितने पेज पढ़ने हैं, 5 पेज 10 पेज 4 पेज 2 पेज जितना पढ़ा जाए, लेकिन रोज़ पढ़ना ज़रूर है। कितनी चीज़ हो गई है तीसरी। चौथी चीज़ है वार्तालाप। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उच्चारण या ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो हंसे, जैसे अब भी मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा ना तो आप हंसने लग जाओगे कि सर की अंग्रेज़ी तो बागड़ी मिक्स और पंजाबी मिक्स है, भाई प्रोनंसिएशन तो वही रहेगा ना, चाहे अंग्रेज़ी कितनी भी बोल लो। तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप के अंदर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी है। और पांचवा काम एक और करना है, वो आप बताइए क्या करना चाहेंगे, लेकिन फिर मैं बताऊंगा जो सबसे उपयोगी होता है इंग्लिश सीखने में। बताइए बताइए, किसी को एक्सपीरियंस होगा ना। देखो इंटरेक्शन करना है, फिर ऐसे ही निढाल बैठे रहे तो क्या फ़ायदा है, फिर मज़ा नहीं आता। और बताइए, क्या देखना, राइट डाउन करना। देखिए जो पांचवी चीज़ है ना, वो सबसे बड़ी ये है कि आप अपना डेली रूटीन रोज़ इंग्लिश में लिखेंगे, जब सो रहे हो तब 5 मिनट कि आई वेक अप एट दिस टाइम, आई डिड दिस थिंग एट दिस टाइम, ठीक है, और मैं इस समय क्लास में गया या गई, जितना भी खराब से खराब इंग्लिश है वो लिख दीजिए। पर आपको अपना डेली रूटीन 5 मिनट किस में लिखना है, 5 ही मिनट देना है, ज़्यादा नहीं देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपकी रोज़ की रूटीन ही ऐसा बना लो कि आपकी आदत का अंग ही बन जाए, ठीक है। और एक काम और एक्स्ट्रा कर लेना, जो हिंखोज डिक्शनरी के साथ आपको करना है, एक इंग्लिश का सेंटेंस जिसे हम कहते हैं क्या, कट पेस्ट कहते हैं जिसको, वो रोज़ याद कर लो। जैसे मैंने अभी बताया था ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक वर्ड याद हो गया, एक वो सेंटेंस या वाक्यांश कहेंगे इसको, फ्रेज कहेंगे, वो याद हो गया। तो एक एक फ्रेज रोज़ याद करना, कभी ईडियम याद कर लो, कभी फ्रेज याद कर लो, कभी कोई सेंटेंस याद कर लो, ताकि उसको क्या कर सको, कट करके उस जगह पे पेस्ट कर सको जहाँ आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसकी भाषा में भी परिमार्जन आएगा, क्योंकि वर्तमान में न हिंदी चलती है न इंग्लिश चलती है, क्या चलती है, इंग्लिश चलती है। तो भाषा में भी सुधार होगा आपकी, आप नई नई चीज़ सीखेंगे। और इंग्लिश क्या है, जब आप IAS का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर संभावना ज़्यादा ये है कि 50-60% लोग आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछें, आपका हिंदी में सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है वो इंग्लिश में पूछें और उनकी इंग्लिश इतनी हाई फाई होती है कई बार कि आपको समझ नहीं आती। मेरे पहले इंटरव्यू में अनसक्सेस होने का एक बड़ा रीज़न मेरी अंग्रेजी भाषा थी, दूसरे में मैं खुद था, और तीसरे में जब सक्सेस हुआ उसमें आप सभी लोग कारण थे, क्योंकि तब तक मैं भाटिया आश्रम में कम से कम 15-20 बार आ चुका था और आप सभी की इतनी दुआएं थी ना, तो वो 130-135 नंबर से सीधे कितने हो गए, 171 नंबर हो गए। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको सकारात्मक चिंतन कैसे करना है। आसपास के लोग जो पिछड़े हुए हैं उसको ये मत समझना कि ये इस कैटेगरी का है तो इसके साथ नहीं बोलें, या इस कैटेगरी का है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट और जनरल की एक सीट लेके चला जाए। मैं जब टीचर बना तो मेरा 3rd रैंक था, जब मैं RAS बना BDO तो जनरल कैटेगरी की रैंकिंग गई थी 132 तक, मेरा 115वां रैंक था, मैं BDO जनरल कैटेगरी में बना। RAS में आपको पता है 8th रैंक था, 24 तक गई थी जनरल, उसमें भी मैं जनरल में सेलेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद मेंस में और उसमें सब ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में मैं OBC में सेलेक्ट हुआ। अब एक बात बता दीजिए, क्या इससे मेरे आरक्षण होने का लाभ मैंने बिल्कुल अंत में लिया जब IAS बन रहा था, उससे पहले मैंने कभी नहीं लिया? क्या मैं पहले इंटेलिजेंट ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, ऐसा हुआ क्या? आपके पास में जो बच्चा बैठा है उसका कसूर था कि वो उसने वहाँ जन्म लिया और मैंने यहाँ जन्म लिया? भाई ये थोड़ी है आपका, आपने कोई भाग्य थोड़ी लिखा के लाए थे, गलती से आपके माता पिता ज़्यादा पढ़ लिए, गलती से उस समय नौकरी लग गई, यदि उनके एक नंबर कम होता और नौकरी नहीं लग गई तो हो सकता है उसके माँ बाप नौकरी में होते, आप अच्छे पढ़ रहे होते और उसके माँ बाप दिहाड़ी कर रहे थे बेचारे या खेती कर रहे थे और आप गांव के अंदर नहीं पढ़ रहे होते, इतना ही तो फ़र्क था।
और मैंने कहा ना, गलती से इंडिया में पैदा हो गए, आसपास पैदा हो जाते तो गड़बड़ भी हो सकती थी, हो सकता है आप पढ़ भी नहीं पाते पूरे ढंग से, जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में इधर हो जाते तो कितना गड़बड़ होता, देखो ये तो आस पड़ोसी तो है अपना, है या नहीं। तो ये कभी भी किसी पर कटाक्ष नहीं करना जीवन में, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर हमेशा उसको स्वीकार करना है, उसको आभार देना है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है कि सकारात्मक हम कितने हैं। और याद रखना, पॉजिटिव व्यक्ति है ना दुनिया में कुछ भी कर सकता है, नेगेटिव व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके पास जो है उसका भी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। आज अमिताभ बच्चन बिग बी नहीं होते यदि वो अपनी कंपनी ABC लिमिटेड के फेल होने के ऊपर रो रहे होते, लेकिन उन पर जो 68 करोड़ का कर्जा आ गया था उसको उन्होंने चुकाया, और आपको पता है आज अमिताभ बच्चन क्या है, शहंशाह है। बॉलीवुड के शहंशाह कौन है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या बनना है, शहंशाह। और शहंशाह कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी डरते नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चाहे पैर डगमगाएं, चाहे सरक के चलें, चाहे दौड़ ना पाएं, लेकिन वो हमेशा चलते रहते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ाते रहते हैं और सफलता को चूमते हैं, ठीक है। आप मेरे को ना कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी बना देते हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी थे वो क्या करते थे कि बोलते रहते थे पर धीरे धीरे एक शब्द आता फिर आता, वो उनकी बोलने की कला थी, जबरदस्त कला थी वो। तो आप जब तालियां बोल बजाते हो ना तो मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मुझे वैसा महसूस होता है कि जैसे माननीय वाजपेयी जी बोलते थे ना, थोड़ा सा बोल दिया फिर रुक गए, थोड़ा सा बोल दिया फिर मेरे को रुक जाना पड़ता। क्योंकि याद रखना, जीवन में मुश्किलें आएंगी, किसको नहीं आई थी बताओ। मैंने सफलताएं देखी, असफलताएं देखी, मैंने सुख भी बहुत देखे, मैंने दुख भी बहुत झेला। कुछ दिन पहले तक मेरी हालत ये थी कि मैं चल भी नहीं सकता था, मैं सोया रहता था पूरे दिन, और मेरी हालात ऐसी थी कि मैं कोई काम नहीं कर पाता था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से सर के मोटिवेशन से, सर भी मेरे पास रेगुलर कर्णपुर जब भी आता आते रहते, सर से बात करता रहता, फिर मैंने वापस 2-3 बार यानी 1.5-2 महीने से वापस क्लास लेना और ये शुरू किया। मैंने कहा यार मैं अपनी मूल क्यों छोड़ूं, अपना मूल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए आपके पास, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपना जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो आपका बेसिक नेचर है, उसको हमेशा मेंटेन रखना है। इसके बाद एक सर ने ये प्रश्न बड़ा अच्छा मेरे से पूछा था कि ये बच्चों से जरूर डिस्कस करना, क्यों कोई व्यक्ति RAS और IAS बन जाता है और क्यों कोई व्यक्ति RAS और IAS नहीं बन पाता, काम को कैसे किया जाए। सर इस प्रश्न का उत्तर हो गया शायद, इस प्रश्न का उत्तर हो गया या नहीं हुआ कि क्यों कोई व्यक्ति RAS IAS बन पाता है, क्यों कोई व्यक्ति RAS IAS नहीं बन पाता। इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने आपको 7 चीजें बताई उसी में निहित था पूरा का पूरा। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपको मेरे जीवन का देना चाहूंगा। मैंने कभी GS की कोचिंग नहीं ली, मैंने ज्योग्राफी कोचिंग ली, फिलोसफी की ली, SA की ली, जयपुर में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, जहां पढ़ सकता था, क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे रोका नहीं, वो सक्षम भी थे देने में, कोई समस्या नहीं थी मेरे को। मैंने नौकरी टीचर की छोड़ दी थी बिल्कुल, ठीक है, लगा 2 साल के बाद मुझे लगा कि भाई टीचर अपने लिए नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वो नौकरी। बहुत अच्छी, अध्यापक से बड़ा पेशा कोई भी नहीं होता, लेकिन मैंने छोड़ दिया। आवाज़ फिर बंद हो गई, पीछे आ रही है बेटा, अभी बंद हुई है, पहले से बंद है, पहले से, तो इतनी देर मौन क्यों थे भाई, चुप्पी तोड़नी थी ना, आपको किसने बोला। मैं तो कहता हूँ बोलो मेरी क्लास में जितना बोल सको, कोई दिक्कत नहीं। आ रही है क्या आवाज, बोल दिया करो, ठीक है। हमेशा लक्ष्मण को इजाजत है कि राम को कोई भी आदेश दे सकते हैं, छोटा भाई बड़े भाई को कुछ भी कह सकता है ना, और छोटी बहनें भी हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं केवल इनकी सुनता हूँ, इनकी भी सुनता हूँ, मैं इनका पक्षधर ज़्यादा रहता हूँ। अभी क्या बात कर रहे थे अपने, उदाहरण बता रहा था ना, याद तो है ना। जब मैं टीचर था तो मैं तैयारी करने के लिए जयपुर गया, तो जयपुर जाने पर मुझे सबसे पहले क्या मिला पता है, कोई मिलने आए मेरे से, द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज सिटिंग विद माई वाइफ एंड माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर और मैं भी था, चारों लोग थे वहां पे।
चारों लोग बैठे थे और कोई मिलने आया और हमें सबसे पहले क्या कहा, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं भाई। कितने साल से? 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। और राजेंद्र जी के करोगा थे, आया हो इतनी दूर, मास्टर की नौकरी छोड़ के 6,500 रुपया तनख्वाह है थारी, क्यों खराब करो पैसा, कई दिन बैठा तैयारी कर लो फिर आ जाइयो। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुना, ये रियल बात है। क्योंकि जब जयपुर गए तो हमें कोई जानता नहीं था, तो इन लोग साइड से या दोस्तों की साइड से कोई ना कोई मिलने आया था, भाई कोई समस्या हो तो बताना, कुछ और करना, ये सब हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने कभी भी, मैं पर्सनल चीज़ें शेयर कम करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा आप छोटे बच्चे हो और सर ने कहा कि हाँ, सभी छोटे बच्चे नहीं हैं, पीछे वाले बड़े बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना वो हमेशा बड़ा कहलाना पसंद कर रहा है, मैं तो बड़ा हूँ, छोटा थोड़ी हूँ। आपने देखा होगा घर के बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि मेरी बिटिया भी ऐसे ही करती है, उसको कहता हूँ ना छोटा, क्या नहीं मैं तो बड़ा हो गया अब। मैंने कहा ठीक है। तो जब गए तो शुरुआत, पहले दिन मुझे क्या मिली बताओ, आशा या निराशा? और वो व्यक्ति सही था बिल्कुल, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्होंने 4 बार आरएएस का एग्जाम दे दिया था, 4 बार फेल हो गए थे और आज तक वो आरएएस नहीं मिल बने। इसका मतलब दैट पर्सन वॉज राइट एट दैट टाइम, ठीक है। बट वो ये सारी की सारी चीज़ मेरे पर इम्पोज करना चाहता था, मेरे पर थोपना चाहता था, मुझे सिखाना चाहता था। वो दिन गया और मैं आगे बढ़ता गया। फिर एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ, उससे 1.5 महीने बाद का, हम ज्योग्राफी की कोचिंग लगे, ज्योग्राफी जयपुर के अंदर। मेरी एक आदत क्या है, मैंने आज तक कोई कोचिंग पूरी नहीं की, केवल एक ही टीचर से मैंने पूरी कोचिंग ली, वो थे विकास दिव्य कीर्ति। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं चिंतन करता हूँ और प्रश्न पूछता हूँ ना, फिर ज़्यादा बहस हो जाती है और गड़बड़ हो जाती थी टीचर के साथ। क्योंकि मैं जब पूछता हूँ तो वो यह कहते कल बताएंगे, ठीक है एक बार हो दो बार हो, और बताते तो वो भी गलत बता देते, तो मेरा दिमाग और झन्ना जाता, तो मैंने कभी कोचिंग पूरी नहीं की। तो वो 3 महीने की कोचिंग थी हमारी प्री ज्योग्राफी की, ठीक है, टीचर का नाम नहीं बताऊंगा, टीचर अच्छा पढ़ाते थे, मैं ही ख़राब स्टूडेंट था उस समय, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ना चाह रहा था, अपेक्षाएं मेरी ज़्यादा थी थोड़ी। तो मेरा दोस्त था एक, वो वर्तमान में JCTO है, नाम नहीं बताऊंगा, और JCTO हजारों है तो आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि भी क्या नाम है उसका। वो ज्योग्राफी से PhD कर रहा था, उसके BA में भी ज्योग्राफी थी, MA में भी ज्योग्राफी थी, PhD भी कर रहा था, और ज्योग्राफी में सबसे इंटेलिजेंट लड़का था। सर ने जब 15-20 दिन के बाद, यानी हमारा 1.5 महीना हुआ और कोचिंग को महीना हुआ होगा, तो महीने के बाद टेस्ट लिया एक। उस टेस्ट के अंदर क्या हुआ, 35 क्वेश्चन थे, 35 नंबर का टेस्ट था, और मेरे 9 नंबर आए, उसके 34 नंबर आए, ठीक है। अब उसने मजाक मजाक में कहा था, उसने सीरियसली नहीं कहा, मैं उसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, उसने कहा था कि राजेंद्र यार तू छोड़ दे, कि कौन क्या इसमें कुछ नहीं पड़ा, होता क्या गंगानगर में होता है ना, तो बागड़ी अपने आप निकलती है। फिर उसने कहा कि राजेंद्र इसको छोड़ दे, कुछ नहीं पड़ा, कोई नया सब्जेक्ट ले लो, ज्योग्राफी हर किसी के बस का रोग नहीं है, और ज्योग्राफी 3 महीने में पढ़ भी नहीं सकते हो, और आपको भी पता है कि 3 महीने बाद प्री एग्ज़ाम हो तो ज्योग्राफी से पास नहीं हो सकता है, ठीक है। और मेरे दिमाग में वो बात खटक गई, ठीक है, मैंने 3 महीने पूरी कोचिंग तो नहीं ली, लेकिन मैंने 2.25 महीने की, लेकिन मैंने टेस्ट सारे दिए, कुल 11 टेस्ट लिए गए थे उस कोचिंग में, मैंने 11 के 11 टेस्ट दिए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने 3 महीने केवल ज्योग्राफी पढ़ी। मुझे पता था टीचर के टाइम मैंने राजस्थान जी के पढ़ा है, करंट मुझे आता है, और उस समय की बात है, आपने देखा होगा कि यदि आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है और राजस्थान जी के अच्छा है और करंट अच्छा है, आप इंडिया जी के थोड़ा बहुत भी जानते हो, ऐसा तो नहीं है टीचर में बिल्कुल भी इंडिया जी के नहीं आता था, और पेपर भी आसान आता था, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आता था। तो मुझे पता था कि ये स्ट्रेटेजी नहीं रही ना, राजस्थान में कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, केवल क्या पढ़ता रहूं, ज्योग्राफी पढ़ता रहूं, तो मेरा प्री पास हो जाएगा, ये मुझे पक्का यकीन था। फर्स्ट RAS था 2007 का। तो मैंने उसी बात को मन में कर लिया कि एक दिन ना इसको नंबर 2 पर धकेलना है, और जो 10वां पेपर था हमारा उसमें 35 में से मेरे 35 सही हुए और उसके 34 क्वेश्चन सही हुए केवल 3 महीने के अंदर, यानी वो लास्ट था, जो मास्टर पेपर होता है उससे जस्ट पहले का पेपर था। हालांकि लास्ट वाले पेपर में मेरा फिर 2 नंबर पे आया, उसका नंबर 1 पे आया, लेकिन वो इतना नेगेटिव था, वो सारे दिन क्या करता, कभी सरकार की आलोचना, कभी किसी और चीज़ की आलोचना, उसका एक ही काम था आलोचना, नेगेटिविटी, ये टीचर अच्छा नहीं है। मैंने कहा टीचर अच्छा है, अपने ही खराब है, वो कहता नहीं अपने बहुत अच्छे हैं, टीचर खराब है। तो ये कुछ ना कुछ बहस चलती रहती थी।
वो लड़का इतना नेगेटिव था, मुझे आज भी हैरानी आती है कि वो JCTO कैसे बन गया। लेकिन वो JCTO बन गया, उसके बाद उसने RAS दिया, IAS दिया, और आज भी मैं इस मंच से आपको कह रहा हूँ कि वो लड़का मेरे से ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कम से कम बता रहा हूँ, 2 से 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ज़्यादा उसका IQ था, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। पहली चीज़ PQ नहीं था, वो डरता था हर चीज़ से, अपने आप को हराना नहीं चाहता था, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो नेगेटिव था, हर चीज़ को नेगेटिवली लेता था, कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेता था। तो उस क्लास के अंदर जो बच्चा सबसे लास्ट आया, जिसके 35 में से 9 प्रश्न सही हुए पहले टेस्ट के अंदर, वो धीरे धीरे RAS भी बना, IAS भी बन गया, और वो लड़का आज भी JCTO है। तो आप बताइए आपको क्या करना है, आप बताइए IAS बनने के लिए क्या चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, जो 7 आपको रामबाण नुस्खे बताए हैं ना, वो चाहिए, ठीक है। अब सबसे पीछे वाला बताएगा क्या बताए हैं आज 7 चीज़ें, याद भी तो करना है ना, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ यहाँ से जाने के बाद। सबसे पीछे, सबसे पीछे की लाइन में कौन बैठा है? हाँ, जो पीछे सफ़ेद शर्ट वाले देख रहे हैं ना, वही जो कुर्सी पर बैठा है ना लड़का, रांझणा स्टाइल में बैठे हुए हैं ना, हाँ ऐसे कर रहा है जी। हाँ पीछे देख रहे हो, जो दाढ़ी वाले सफ़ेद शर्ट, खड़े हो जाओ इधर इधर इधर, आगे आगे की लाइन में इधर, ये जो गले में वो पट्टा टांग रखा है ना, उसके साथ वाले, हाँ बताओ बेटा, याद है क्या, या आधा सुना आधा नहीं सुना? सुन गया, इस्तेमाल करोगे? ठीक है बेटा। एक्चुअल में होता क्या है पता है, जो पीछे बैठते हैं ना वो हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं। मैं बताता भी हूँ, आगे वाले वस्तु होते हैं, पीछे वाले क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। वस्तु का मतलब होता है कि जब टीचर की नज़र होती है ना, वो बेचारे अटेंटिव बैठे रहते हैं, उनके बोलने का, हिलने का, कुछ खुजाने का मन करता है तो वो खुजा ही नहीं पाते। वस्तु का मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने नारी को वस्तुकरण क्यों कहते हैं, नारी को हम कुछ करने नहीं देते, तो घर का काम करेगी, तेरे को बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, वो क्या है, नारी का वस्तुकरण। इसी तरह से आगे वाले बच्चों का क्या हो जाता है, वस्तुकरण हो जाता है। वो बेचारे देखते रहते हैं कहीं सर का ध्यान चला गया और मैं ये कर रहा होगा तो कितना खराब लगेगा, और पीछे वाले व्यक्ति बने रहते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि वास्तव में सुना या नहीं सुना, क्योंकि वस्तुओं पर तो जो चीज़ थोपोगे वो याद रहेगी, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो याद रखे या नहीं करे। आप सभी व्यक्ति हो, लेकिन इस रूप में जब आगे बैठे हो तो वस्तुकरण। तो आपके चिंतन का दायरा क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। देखा, इस चीज़ को भी मैंने क्या किया, फिलोसॉफिकल भाषा में डिफाइन किया। इसका मतलब क्या करना है, आपको अपने सोचने की क्षमता क्या करनी है, विकसित करनी है, और आज जो मैंने चीज़ें बताई उनको अप्लाई करना। क्योंकि यदि आपने इस ज्ञान का व्यवहार में उपयोग नहीं किया तो आप में वो अपेक्षित योग्यता और कौशल नहीं आएगा। मैं कभी नहीं कहता कि जो मैंने बताया वो सही है या गलत है, मैं ये कहता हूँ कि जो सही चीज़ है वो आप करें, जो आपको अच्छी लगती है वो आप करें, लेकिन जो आपने ज्ञान लिया उसका व्यवहार में उपयोग करें, अन्यथा यहाँ मेरा बोलना नाहक होगा, निरर्थक होगा, कोई काम का नहीं होगा, और मैं ऐसे ही बोल के चला जाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा में जो आज मैं ले रहा हूँ, ये जो सेमिनार है, जो इतने बच्चे आए हैं, इसमें कम से कम 10% बच्चे तो IAS में सेलेक्ट पक्का होंगे। अब बात ये है कि मेरी बात को झुठलाता कौन है, कौन कौन झुठलाएगा मेरी बात को, बताओ कि 10% नहीं सर, हम 100% सेलेक्ट होंगे। मैंने कहा मेरी बात को झुठलाएगा कौन, मैं कह रहा हूं कि 10% बनेंगे, इसको झूठी कौन साबित करेगा, सभी करेंगे ना कि हम 100% सेलेक्ट होंगे, और सर की बात को झूठी साबित करेंगे, सर ने कहा था 10% ही है, हम कहेंगे सर 100% हम सेलेक्ट हुए। याद रखना, आप ये मत सोचना कि एक साथ कई लोग बन नहीं सकते। मैं कई बार घुमा के बोलता हूं तो समझ भी नहीं आता है ना। एक्चुअल में फिलोसफी पढ़ने के बाद आपका दिमाग है ना थोड़ा सा पटरी से हटके चलता है, ये समस्या है फिलोसफी वालों के साथ। फिलोसफी के साथ जो जीता है वो रटता है, वो नहीं सोच पाएगा, जीना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। सर एक सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, या ज़रूरत है या नहीं है,
ओके है, पर एक मिनट वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए सर ने मेरे से बात की थी कि आप थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो देखिए जो प्री टेस्ट है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं, सुन लो, बाद में यूट्यूब से सुनते रहना, ठीक है। और सर के चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है, मैंने देखा सर, अब तक तो जब सब्सक्राइब है सर का, जो भाटिया आश्रम का हमारा यूट्यूब चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन कम से कम 10,000 पहुँच जाना चाहिए था, अभी तक वो शायद 1,000 पे घूम रहा है। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही आता है ना जब यूट्यूब का देखते होते, यानी घंटी बजाओ और प्रेस करो, ठीक है। तो ये करना है और दो चार लोगों को करवाना है, क्योंकि काम की चीज़ उसमें रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। याद रखना तीन चार चीज़ें, आपको एक और बता दो, राज्यसभा चैनल किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है यहाँ पे, नहीं आता है तो आस पड़ोस से पूछ लेना, ठीक है, उसकी बेल आइकन भी दबा देना। दूसरा कौन सा चैनल, एक स्टडी IQ के नाम से आता है, उसमें हिंदू का एनालिसिस आता है, कर रखा है बेटा, वो भी काफ़ी अच्छा चैनल आता है। उसके बाद में तीसरा, संविधान प्रधानमंत्री महामहिम सीरियल, और एक मैं अब लल्लन टॉप का प्रचारक भी बन गया हूँ ये समझना, एक लल्लन टॉप के नाम से न्यूज चैनल है, बहुत अच्छा है, लल्लन टॉप, LLLANTOP, सौरभ त्रिवेदी जी का है, सौरभ द्विवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी भूल गया मैं, सौरभ द्विवेदी जी हैं क्या, लल्लन टॉप, उसको सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन, क्योंकि आज ही एकदम 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए उसके। उसकी खास बात क्या है, वो बोलते बहुत अच्छा है, यदि आप उनके लल्लन टॉप को रोज़ सुनेंगे, 5-10 मिनट की बुलेटिन आती है, कभी कभी 20 मिनट की बुलेटिन आती है, और उसी पर कार्यक्रम आता है महामहिम, जैसे प्रधानमंत्री सीरियल है वैसे ही महामहिम, जैसे संविधान है वैसे ही महामहिम। तो हमारे राष्ट्रपतियों के बारे में बनाया गया है, क्या क्या उस समय वाद विवाद हुए, कैसे चला, तो उसको आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो चीज़ अच्छी लगे ना, बेकार की चीज़ों को सब्सक्राइब मत करना, कोई मजाकिया चीज़ों को या कोई और चैनल जोक वालों को, उनको मत करना। जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो जैसे ही कोई नई चीज़ डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत सुन के उसको बंद कर दीजिए, बस सफिशियंट है, ठीक है। ये नई चीज़ सीखने का, क्योंकि एक तो यहाँ कोई ना कोई पढ़ाता रहेगा और दूसरा यूट्यूब एक लेक्चरर की तरह जो हमेशा लेक्चर देता रहता है, पर अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने हैं, खराब खराब लेक्चर नहीं सुनने हैं कभी भी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस के बारे में बता रहा था, जो प्री टेस्ट होता है उसमें एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर, एक एप्टीट्यूड और एक नॉलेज वाला, ठीक, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं उसको भी। तो जो क्लियर करने वाला पेपर है जिसमें केवल हमें क्लियर करना है, कितने 33% मार्क्स चाहिए ना उसमें, 33% है ना अभी, तो उसमें आपको केवल क्लियर करना है। उसमें आपके लिए बस एक ही समस्या है कि आपको हो सकता है रीजनिंग नहीं आए कईयों को, मैथ नहीं आए, बाकी डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल ये सबको आएगी। तो आप याद रखना कि उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उस पर उतनी मेहनत करनी है जिससे ये पेपर पास हो जाए, कि थोड़ा बहुत मैथ वगैरह करते रहो, रीजनिंग वगैरह करते रहो, और उसके जो 30-40 क्वेश्चन आए उसमें से 15-20 सही हो जाए बस, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हमें अपना सारा जोर किस पर लगाना है, सेकेंड पेपर के ऊपर। लेकिन जो अवेयरनेस का पेपर है, जनरल नॉलेज का जो पेपर है, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाने से पहले आपको पहले 4 पेपर्स पर ध्यान लगाना है। कौन से पेपर, जो मुख्य परीक्षा के हैं, सर बात कर रहे हैं अभी, चलो जो मुख्य परीक्षा के 4 पेपर हैं उन पर ध्यान लगाना है। क्यों, आपने देखा होगा IAS में ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही कंसेप्चुअल वाला है, कंसेप्ट बहुत डीप है, ये हम सीख ही नहीं पाए। क्योंकि जब हम प्री टेस्ट की तैयारी करते हैं ना सभी बच्चे, तब क्या करते हैं उसमें, हम जनरली फैक्चुअल तैयारी करते हैं, बहुत कम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस याद करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज हम किसकी तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी, फैक्ट्स की तैयारी करते हैं, हमारा नॉलेज बढ़े वो तैयारी करते हैं, यही होता है ना हमारे साथ। और आप IAS का एग्ज़ाम देख लेना, फैक्चुअल बेसिस के ऊपर 5-10 क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। उसमें ज़्यादातर किस बेस पे होते हैं, कंसेप्ट के ऊपर और